फ्रेंड्स, अभी मैं आ गया हूँ बाइक रेंट पे लेने के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है यहाँ से 70 किलोमीटर आपको खाटू श्याम जी का मंदिर पड़ेगा। उसके लिए बस स्टैंड पे जाना पड़ेगा। बस कम से कम आपसे 100 से 120 रुपए के बीच में चार्ज करेगी, तो आने जाने का आपका वो और आपका टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। इस वजह से मैं बाइक लेने आ गया। अभी मैं हूँ बाइक और रेंट मेट्रो स्टेशन के, जो जयपुर मेट्रो स्टेशन है उसके जस्ट नीचे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेट्रो स्टेशन की पार्किंग है, और यहाँ पे भैया है ईज रेंटल सर्विस, और मैंने ली है वर्कमैन। इसका पूरा जो चार्ज है वो आप इनकी वेबसाइट पे आ जाता है, ईज रेंटल पे। जैसे ही आप गाड़ी सेलेक्ट करते हो उसके हिसाब से आपको उसका रेंट और CGST SGST मिलके आपको टोटल उसका अमाउंट आ जाता है। आपको वेबसाइट से ही पे करना है, और पे करने के बाद आपको गाड़ी हैंड ओवर कर दी जाती है। गाड़ी लेने के पहले गाड़ी के चारों तरफ आपको वीडियो बनाना है, जिससे उस पर कोई डेंट वगैरह हो तो वो आपको पहले से पता रहे। और उसमें आप डेट सेलेक्ट कर लेते हो, कब पिक करना है, कब ड्रॉप करना है, उसके हिसाब से आपको गाड़ी का पेमेंट कर देना है। ये भैया का ऑफिस है, यहाँ पे ये भैया है, इन्होंने मुझे गाड़ी दी है। जी भैया, हमारे व्यूअर से आप क्या कहना चाहेंगे? आओ, आप ही बुक करो जल्दी। ठीक है, आप इधर आए अगर जयपुर, आपको सालासर घूमना है, जयपुर के लोकल साइट सीन घूमना है, आपको खाटू श्याम जी घूमना है, तो मेरे हिसाब से बाइक सबसे बेस्ट अवेलेबल है। 24 घंटे का आप इसमें जो है वो रहता है, एक बार चार्ज पे करो 24 घंटे आप चलाओ, 12 घंटे भी अवेलेबल है। ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके बुक करो इजी रेंटल के नाम से। हाँ, इजी रेंटल। मैं भैया का नंबर, नाम और डिस्क्रिप्शन में आपको पिंग कर दूंगा, वहाँ से आप जाके। दो लोकेशन है, सिंधी कैंप और रेलवे स्टेशन। सिंधी कैंप और रेलवे स्टेशन, मेट्रो पार्किंग। और जयपुर स्टेशन से लगभग 100-200 मीटर की दूरी पे, पैदल डिस्टेंस पे है, आप आराम से आ सकते हो। तो जुड़े रहे यात्रा गुरु 29 पे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, ईज रेंटल सर्विस पे जयपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे आपको ये हॉर्नेट मिलेगा, और ये सारी येलो प्लेट वाली एक्टिवाज खड़ी हैं, जो लोकल जयपुर घूमने के लिए 300 से स्टार्ट हो जाता है। इनकी अपनी एक वेबसाइट है, ईज रेंटल सर्विस जयपुर। ये देखो आप, अवेंजर 220 खड़ी है, ये रॉयल इनफील्ड, और वो सारी छोटी गाड़ियाँ 100cc वाली, तो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। बड़ी ही आसानी से आप बहुत जो ट्रांसपेरेंसी वाला सिस्टम है, आपने वेबसाइट पे जाके सारे जो है इसका रेट देख लेना है, और वहाँ से आपको बुक कर देना है। बुक करने के बाद भी आप यहाँ पे आ सकते हो। ये देखो, ये भैया ने अभी साइन उठाई है। कितने दिन के लिए उठाई हुई है आपने? कहाँ जा रहे हो? खाटू श्याम जी। कितना का पड़ा? 400 रुपये का पड़ा। ये देखो आप, तो बढ़िया, यहाँ पे अच्छे खासे जो है विजिटर आते रहते हैं, ये सारी गाड़ियाँ येलो प्लेट वाली उठाते रहते हैं। ये देखिए, KTM ड्यूक है, पल्सर रखी हुई है, ये सारी गाड़ियाँ अवेलेबल है यहाँ पे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बुक करना बता देता हूँ, कैसे बुक करना है। आपको जाना है सबसे पहले गूगल क्रोम पे, और गूगल क्रोम पे जाने के बाद आप आते हो गूगल पे, और इसमें आपको डालना है easyrental.co.in। इसके बाद सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको easyrental.co.in की ये इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस में आपने सिटी सेलेक्ट करनी है, जैसे कि यहाँ पे जयपुर लिखा है, तो मैंने अभी जयपुर से ही मुझे बाइक उठाना है, तो मैंने इस पे जयपुर डाला। उसके बाद आपको ऑल एरिया पे रखना है, फिर आपने किस दिन को डेट आपको चाहिए, यहाँ पे पिक वाली डेट डाल देना, बाइक कब आपको पिक करनी है। सपोज़ मुझे कल चाहिए तो मैंने कल डाल दिया। पिकिंग टाइम डाल देना, आपको किस टाइम पे बाइक चाहिए, तो आपने डाला सुबह के जो है 10 बजे या 11 बजे या 6-7 बजे, 24 आवर्स यहाँ पे बाइक अवेलेबल है, तो मैं डाल देता हूँ सुबह के 9 बजे। इसके बाद मुझे बाइक ड्रॉप कब करना है, तो 14 को उठाया मैं, खाटू श्याम जी जाओगे तो आप शाम को ही वापस आ सकते हो, या फिर आप 15 तक जो है जयपुर भी विजिट करना चाहते हो, तो जयपुर विजिट करने के बाद 15 की शाम को मुझे यहाँ पे बाइक जमा करना है, तो शाम के मैंने यहाँ पे डाल दिया 9 बजे। तो मैंने 2 दिन के लिए बाइक ली, और उसके बाद मैंने सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको बाइक की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये देखिए आप, एक्टिवा आ गई है, जिसका प्राइस चल रहा है 568 रुपये। फिर इसके बाद आप नीचे देखें, एक्टिवा 5G आ गई है, इसका 695 रुपये, होंडा साइन 703 रुपये। यहाँ पे सारा आपका ये जो है बाइक का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, कि कौन सी बाइक कितने रेट पे यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आपको इसमें से जो भी बाइक पसंद आ रही हो, वो बाइक पे आपने चूज़ करना है,
जैसे मेरे को ये पसंद आ रही है TVS राइडर, तो मैंने बुक नाउ पे चूज किया और बुक नाउ पे मैंने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बाइक का ओवरऑल पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है आपको, हेलमेट माइलेज वगैरह ये कितना क्या देना है, पूरा ये आपका पूरा जो है रास्ता आ गया कहाँ से पिक करना है और जयपुर स्टेशन के पास, और ये पूरा इसका बिलिंग आ गया कितना आपका टोटल बनता है 1325 रुपये, 132 रुपये डिस्काउंट है, 1193 रुपये जो है इसमें टोटल बुकिंग अमाउंट है, CGST SGST मिल के आपके दो दिन के 1407 रुपये हो जाते हैं। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, कन्फर्म करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपने अपना नंबर डालना है जिस नंबर से आप लॉगिन करना चाहते हो, और नंबर डालने के बाद वेरीफाई करना है, वेरीफाई के बाद फिर यहाँ पे आपको OTP डालना है, ये देखिए आप ये OTP मांगेगा, OTP आया है 3550, तो मैंने यहाँ पे 3550 OTP डाल के इसको वेरीफाई कर दिया। और मैं इसके अंदर एंटर कर गया, फिर इसके बाद मुझे TVS राइडर की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, टोटल अमाउंट आ जाता है, ये अमाउंट मैंने रिक्वेस्ट बुकिंग पे डाला और इसका जो है ये जो पेमेंट गेटवे पे आपको ले जाता है, जैसे यहाँ पे फोन पे गूगल पे पेटीएम अवेलेबल है, कार्ड भी, नेट बैंकिंग भी, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हो, जैसे आप यहाँ से पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद ये आपको फोन पे पे रिडायरेक्ट कर देगा और वहाँ से फिर आप इसकी पेमेंट करने के बाद थोड़ा सा होल्ड करना, डन करना, और जब तक आपकी कन्फर्म नहीं हो जाती है पेमेंट, जैसे यहाँ पे देखिए ये फोन पे आया पेमेंट 1407 रुपये कन्फर्म होने के बाद, आपको बैक बटन प्रेस नहीं करना है, अगर आप बैक बटन प्रेस करेंगे तो पेमेंट नहीं होगी, आप थोड़ा सा वेट करना पेमेंट करने के बाद और यहाँ पे बाइक का कन्फर्मेशन आ जाएगा। तो टोटल ये जो आपका सिस्टम है इससे आप जो है बाइक रेंट ले सकते हो जयपुर में, ये फेयर सिस्टम है, मैंने भी इसी सिस्टम से बाइक को हायर किया था।